चलो में किसका खून नहीं खोलेगा, सुन पढ़ के अखबारों में सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सहजाता है, हद से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। हमने 75 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, गिद्धों के खूनी पंजों को गायत्री समझाने में, मगर बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता और हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। के पीपल छाया मांग रहा था यूकीकर के पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में। सेना पर पत्थर बातों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना बतला दो। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कस भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तब केवल आवश्यकता है हिम्मत की खुदारी की और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 2 दिन की तैयारी की। दिल्ली केवल मोहलत दे दे 2 दिन की तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो घाटी गहर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। और आखिरी 2 लाइन और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि टिकटॉक के बैन होने से पहले एक लाइन उस पर बहुत ज्यादा वायरल थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो उसके लाइन में मैंने कुछ आगे ऐड किया है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, और अगर चल पड़े हो तो फिर रुक जाने का नहीं, और मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं।